अगली खबर में बात करते हैं गया की, जहां वजीरगंज प्रखंड मीरपुर गांव के रहने वाला एक परिवार सूदखोर चौकीदार की गुंडागर्दी से तबाह है। गांव में चौकीदार का दबदबा इतना है कि पीड़ित परिवार की ना तो गांव के लोग सुन रहे हैं और ना ही वजीरगंज थाना पुलिस अधिकारी दंपति का कहना है कि 10,000 रुपए सूद पर लिया था, उसके बदले में 50,000 रुपए चुका दिया। इसके बावजूद अब वह 60,000 रुपए की मांग कर रहा है। इस पर जब हमने रुपए देने से इनकार कर दिया तो वह घर से एक गाय और भैंस खोल कर ले गया, यहाँ तक कि वह हमारे घर से जेवर भी लूट ले गया। और तो और वह हमारी बेटी को भी रात को घसीट कर ले जा रहा था, लेकिन सो रोने पर बेटी को छोड़कर वह भाग गया। संबंधित मामले में आरोपी चौकीदार के मोबाइल नंबर पर संपर्क करने की कोशिश की गई तो उसके नंबर इनकमिंग की सुविधा नहीं है होने की बात कही गई। वहीं वजीरगंज थाना अध्यक्ष राम इकबाल यादव ने बताया कि SSP का आदेश आया है। संबंधित मामले में दोनों पक्षों को कल थाने में बुलाया गया है। मामला सूद पर रुपए लिए जाने से जुड़ा है। संबंधित मामले में शोभा देवी और चंद्रिका यादव ने बताया कि 2 वर्ष पूर्व 5 रुपए सैकड़ा सूद पर 10,000 रुपए चौकीदार सतीश यादव से लिया था। बाद में सतीश यादव ने 5 रुपए की जगह पर 10 रुपए सैकड़ा सूद वसूलने लगा। किसी तरह हम लोगों ने सारे रुपए लौटा दिए। 10,000 रुपए की जगह पर हमने उसे 50,000 रुपए लौटाए, लेकिन अब वह नहीं मान रहा। उसका कहना है कि 60,000 रुपए और निकल रहे हैं। इस पर हम लोगों ने 60,000 रुपए वह देने से मना कर दिया तो उसने हमारे घर से एक गाय और एक भैंस जबरन खोल लिया, जबरन घर से एक भर जेवर भी लूट के ले गया। शोभा देवी का कहना है कि वजीरगंज थाने में न्याय के लिए गई थी, लेकिन वहां किसी ने एक नहीं सुनी। इसके बाद हम SSP से मिलने गए थे, SSP को आवेदन भी दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सख्त कार्यवाही की जाएगी। शोभा देवी का कहना है कि हम लोगों का गाय भैंस से ही रोजगार चलता है, भैंस व गाय से ही 10 किलो दूध निकलता है, उसे बेचकर ही घर पर सारा काम करते हैं, लेकिन अब ना तो गाय है और ना ही भैंस है। मम्मी को आया छत्तीस यादव, छत्तीस यादव को पत्नी आया, छत्तीस यादव को बेटा आया, बेटी आया, मम्मी के सावन से मारने लगा, हाथ माथा हाथ गोड़ तोड़ दिया, गोड़ हाथ तोड़ के हम गए तो हमको मारपीट किया। छत्तीस यादव मेरा सीना पर चढ़ के, और विजय यादव को पत्नी सुनीता यादव, सुनीता देवी, मारपीट किया। मारपीट किया के बाद में मेरा गोदी में उठा के घर में लेके चल गया। छत्तीस यादव कौन है? सतीश यादव गांव के रहने वाला। क्या करते हो? चौकीदारी है। कहाँ? लड़ाई किस बात के लिए? लड़ाई कहाँ लगी? लड़ाई किया था, खेत चलते उसको घर पे, मेरा खेत है उसका ही चलते लड़ाई चल रहा है। थाना के चौकीदार है जी। तो आप लोग केस किए हैं थाना में? थाना में केस किए हैं, लेकिन कुछ नहीं कर रहा। थाना वाले कुछ नहीं कर रहे हैं? नहीं। क्या नाम है आपका? सुषमा कुमारी। कहाँ रहते हैं? मीरकपुर। कहाँ? गाँव के घर के पूर्व घर, घर के पूर्व घर मट्टी धरती में। अच्छा। घर लो आपने सतीश के माँ को, सतीश के बेटा तीनों जाके खामती से लाठी से मारने लगा। मारते मारते हमको बेहोश कर दिया। बेटी हम मर के पकड़ के खींच के और ले जा रहा था। काहे के लिए मारा? मारा लड़ाई ऐसे हुआ था खेत चलते, खेत के चलते मार लड़ाई। सतीश के हैं? सतीश गांव के चौकीदार है। अच्छा। नजीरगंज थाना घूमने जा रहा है। अच्छा। पहले घटना हो गई घर में, घर में हेल के जानवर दूर घर वाले से खोल लेता है। घर से लोग चल गए, वो अपन घर बांध देते। घर से जानवर ले गया आपका? थाना के सूचना दिए हैं आप? थाना कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं थाना का। पूछे की क्या नाम आपका? कहाँ रहते हैं? मीरकपुर में। इसके साथ बराबर माता मिला हमारे उस गांव में, ससुराल है, सास ने खबर की इस तरह घटना है। मारपीट के दरमियान हम आए, देखे कि बात भी बराबर होते रहा, इसलिए बीच में पंचायती भी हुआ। काय के लिए मारपीट हो रहा था? पंचायती और पैसा मांग कर रहा था। किस लिए?
इसलिए क्या हमारा पैसा कुछ पैसा पहले लिए थे उसके पैसा ये बार में 50,000 रुपया दे चुके हैं, उसके बाद भी बराबर धमकी दे करके पैसा वो मांगते हैं। 50,000 रुपया कुछ दिए, सूद दिए हैं? हाँ सूद ही लिया, गरीब आदमी है धमका के सूद लिया। सूद पर पैसा लगाते हैं वो? हाँ हम उन्हें सूद पर लगाते हैं। हाँ सूद पर। कौन है वो आदमी? वो है बजरंग थाना के चौकीदार है। क्या नाम है? सतीश यादव। क्या हुआ फिर उसके बाद? पारा पंचायती हुआ, उसका मामला सड़ट गया, बीच में इनका गाय भैंस लघर गाय भैंस है वो दोनों जबरदस्ती गाय भैंस खोल के लिए चल के लिया और बांध लिए है। उसके बाद ये लोग कहे की खोल दीजिए, कहे की अभी तक गाये ले लिए, अभी कोहनी बाले बच्चे के लिए आए वो, इसलिए डर भाई से ये लोग चुपचाप हो गए। इसी बात में फिर कल दोपहर 12 बजे के लगभग में ये लोग खेत से मट्टी लाने गए थे घर के लोहारने निपने के लिए, उसी दरमियान में लोग पूरा परिवार उसका सतीश यादव के भाई विजय यादव, सतीश यादव के भाभी पानो देवी और सतीश यादव की पत्नी सिंकू देवी ने इसको जबरदस्ती मारपीट करके माथा फाड़ दिए, हाथ तोड़ दिए। अभी कहाँ है जिनका माथा फटा है? उनका भी अभी तो आपका चल में है, अभी है थाना पर गए, इसके पूर्व भी थाना प्रभारी सूचना किया गया था, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं किया गया। नहीं करते कार्रवाई? मैंने बजरगंज थाना का दुर्भाग्य है कि मैंने गरीब आदमी के साथ अन्याय हो रहा है और थाना प्रभारी चौकीदार को संरक्षण दे करके इस तरह का घटना घटाने का काम किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विनोद कुमार हुआ। कहाँ रहते हैं? हम तो मेरा गाँव मैंने घर बोधिया थाना गाँव है गाफा खुर्द।